सरकारी विभाग लेकिन से पार तू तो गाय वो का दूध बेचते थे, पार पाना मुश्किल है। कहां चिकन मटन में फंस गए? बिजनेस व्यवसाय करो, अब बिजनेस व्यवसाय करने पर बिजनेस व्यवसाय करने पर ऐसे ऐसे लोग हैं जी, मन खट्टा हो गया कि सुनो पूरा बात सुनाओ, पूरा बात सुनाओ कि हुआ क्या। थे अब दूध दही तो कोई खा नहीं रहा है, चिकन कारोबार शुरू करें, चिकन फार्म खोले, फूड इंस्पेक्टर आ गया इंस्पेक्शन करने, और जब फूड इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन करने तो हमने कहा नेचुरल नेचुरल हमारे चिकन फीड होते हैं, जिस तरीके से छोड़ देते हैं जो मन करता है वो खाते हैं, घास फूस जो भी है। हाँ तो सही है, कहने लगा फाइन पेनाल्टी लगेगी। मैंने कहा किस बात की पेनाल्टी, कहा कि ये गंदगी चिकन के अंदर जाएगी, उससे अंडे में गंदगी जाएगी और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है इस तरह का व्यवसाय जो तुम कर रहे हो। पेनाल्टी ठोक दिया, अब जो हुआ हुआ, अगली बार कोई आएगा उसके लिए तैयारी करें। अब फिर सरकारी विभाग से कोई आ गया, जैसे ही पूछा कि क्या बिजनेस करते हो, कितना बड़ा व्यवसाय है, तो मैंने बता दिया कि अपना देखिए चिकन वगैरह का काम करते हैं। पूछा क्या खिलाते हो, तो हम समझ गए। मैंने कहा कि भाई हम तो बादाम और काजू पिस्ता ये सब चिकन को खिलाते हैं, कचरा पे परेशानी है उनको तो हम खिलाते हैं काजू बादाम। कहने लगा कि इतना पैसा तुम्हारे पास आता है और टैक्स इतना नहीं देते, गलत है, तुम काजू बादाम पिस्ता कैसे खिला सकते, हमको क्या पता सेल्स टैक्स इनकम टैक्स आर टैक्स है। हाँ तो जब थोड़ा हम भी मान लिए थे कि इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, अपना कुछ कारोबार करेंगे, क्योंकि नौकरी चाकरी तो मिलने नहीं है, मोदी जी ने भी कहा था, तो चलो ठीक है। फिर 1.5 महीना बाद आया, तैयार थे हम, जैसे वो पूछा मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं अपने सारे चिकन को 5-5 रुपए दे देता हूँ और उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो मन करता है वो खा पी के आता है। सरकारी विभाग से पार पाना मुश्किल, बात तो बड़े मार्के की है।